Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नहीं, हमारी मांगे ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार से नहीं है, ये G20 कंट्रीज जो हैं, जिसमें ग्रुप 20 कंट्रीज हैं, जापान है और इंडिया समेत उसमें 20 कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज जो हमारे जैसे डेवलपमेंट वाले कंट्री जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर ये सब्सिडीज प्रोवाइड कर सब्सिडाइज कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं उनको कोयले के उत्पादन के लिए और जैसे जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं पेट्रोल गैस उन सब चीज़ों के लिए। हम सभी आज के टाइम में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये इस तरह की एनर्जीज हमारे लिए घातक हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और हमारे आम जनजीवन को तहस नहस करके रख दे रही है। हमारा मुद्दा ये है कि ये G20 कंट्री जिसमें जापान बिगेस्ट फंडर है, सबसे ज़्यादा पैसा जापान इन्वेस्ट करती है, तो हमारा डिमांड जापान से और सभी G20 कंट्रीज से है कि इस पे फंडिंग ना करते हुए रिन्यूएबल एनर्जीज को सपोर्ट करें, ऐसे सस्टेनेबल एनर्जीज को सपोर्ट करें जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और आम जनजीवन बहुत अच्छे तरीके से चल सके, नुकसान ना हो। पर्यावरण का नुकसान हम सब जग पूरे वैश्विक तौर पे हम इसका नुकसान देख सकते हैं, तो अब ये बहुत सही समय, बहुत हाई टाइम है कि इन चीज़ों पे फंडिंग करना बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और दूसरी एनर्जी सेक्टर की तरफ हम ध्यान लगाएं, तो ये पैसा हम वहाँ लगाइए। क्या सोचा है आपने, किस प्रकार क्या काम करेंगे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो? नहीं, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये हाइड्रो एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं बजाय कि हम कोयले और फॉसिल फ्यूल्स पे ही फोकस करें। ये एक रिजर्व्ड एनर्जी सोर्स है जिसको हम लगातार उसका दोहन करे जा रहे हैं और इससे जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, कार्बन का जो उत्पादन हो रहा है वो लगातार हमको नुकसान पहुंचा रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप इसको दिखाना चाह रहे हैं कि हम सभी G20 कंट्रीज का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि हम जैसे जो रोड पे रेड़ी पटरी में काम करने वाले लोग हैं, सबसे छोटे तबके का लोग हमको समझा जाता है। रेडी पटरी वाले हमारा संगठन, ये नेशनल हॉकर फेडरेशन पूरे देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स का ऑर्गेनाइजेशन है और हम जीरो कार्बन एमिशन फोर्स हैं। जितने भी हमारे कंपटीशन में, अगर हम जिस बिजनेस ग्रुप की बात करें, होटल्स की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, एसी लगाते हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स, और हम सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। हम पर्यावरण को बचाने के लिए एक सिपाही के तौर पर काम कर रहे होते हैं और हमारा बस यही है कि हम सिर्फ रोड पे अपनी मांगों के लिए नहीं, हम पर्यावरण के लिए भी लड़ रहे हैं। हम ऐसी किसी भी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। किसका सहयोग चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित करने? सहयोग के मामले में तो हमें पूरे विश्व का सहयोग चाहिए पर्यावरण के मामले में, लेकिन चूंकि हम इस वक्त जो हमारा मेन डिमांड है, इस वक्त जिसके तरफ हम ज़्यादा ये कर रहे हैं वो हम जापान के साथ कर रहे हैं। जापान को हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि चूंकि जापान सबसे बड़ा फंड इन्वेस्टर है ये कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स पे, तो हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं, उनको ये मैसेज, उनसे ये सहयोग चाहते हैं कि वो इस चीज़ पे बंद करके दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना शुरू करें। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम जो फुटपाथ दुकानदार हैं ये हम कम से कम कार्बन एमिशन करते हैं, उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है जाम रोड पे अगर दुकानदारी कर रहे हैं तो इस जो पोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही तो हो रहा है क्योंकि हम खुले में काम कर रहे हैं और इसी की वजह से हम जो है हम उतरे हैं यहाँ पे। और जापान एम्बेसी को भी बताना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड जो है वो जापान ही दे रहा है और सभी G20 कंट्रीज़ को हम ये कहना चाहते हैं कि ये फंड बंद करो, अभी फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट बंद करो और पर्यावरण को बचाओ। मैडम जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो तीन मुद्दों को लेकर, ये आज जो हमारा प्रदर्शन है ये ग्लोबल वार्मिंग पे है। जो कंट्री हमारी G20 कंट्री है, जापान कंट्री सबसे बड़ी कंट्री है, वो मतलब कि ये कोयला पे ना सब्सिडी दे रही हैं, तो हमारे देश में भी ये लागू करना चाह रही जैसे और कंट्रियों में है, तो ये ना करके क्योंकि हम ये जो तो मानव संसाधन के खिलाफ
खिलाफ है और सारा इसमें तो मानव संसाधन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एक देशवासी? पूरे देशवासियों के लिए ये मैसेज है कि ये जो लागू करना चाह रहे हैं दूसरी कंट्री G20, ये स्कीम लागू ना की जाए, जो कोयला पे सब्सिडी है ये यहाँ हिंदुस्तान में ना लागू करें। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.